पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने के बाद तेल कंपनियों ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम फिर 69 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चला गया है। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में शुक्रवार को पेट्रोल के दाम में 19 पैसे और चेन्नई में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल के दाम 69 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। ऐसे ही कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 71 रुपए 20 पैसे है। वहीं डीजल के दाम दिल्ली में 62 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। कोलकाता में डीजल का भाव 64 रुपए 58 पैसे और मुंबई में 65 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पिछले कुछ समय से कच्चे तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी जारी है। फिलहाल कच्चे तेल के दाम $60 के आसपास चल रहे हैं। अगर कच्चे तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो पेट्रोल डीजल में आगे भी बढ़ोतरी जारी रहेगी। हालांकि आज कच्चे तेल के दाम में थोड़ी नरमी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 0.2% की कमी आई है। कच्चे तेल की कीमत $61.22 प्रति बैरल बनी हुई है। कच्चे तेल में नरमी दुनिया के कई देशों में मंदी की आशंका की वजह से आई है। अगर कच्चे तेल के भाव में आगे भी इसी तरह से नरमी का रुख रहता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं।